अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 10 मई 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। CBSE लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और बात करेंगे सीटेट जुलाई ऑनलाइन करेक्शन आपको कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो कैसे उसको सही करना है और आपको बता दें, एक गलती से आप लोग का फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अगर सीट आपके जिले में फुल हो गई है तो कैसे लेंगे अपना जिला अंतिम मौका। जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट ट्रिक हो सकती है आप लोगों के लिए कि कैसे आप लोग अपना जिला प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सीटेट 2021-2022 का क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया। जी हाँ, प्रीवियस ईयर के अगर आप इन 2 सालों के क्वेश्चन पेपर आपने दे दिया भैया 2022 में, तो लगभग 25 शिफ्ट हुए थे, मतलब इतना पेपर अगर आप लोग पढ़ देते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर इस बार पेपर में कर जाएंगे। जुलाई अगस्त 2 महीने आप लोग का पेपर चलेगा। एक बात और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, देखिए पूरी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। हाई कोर्ट की तरफ से अपडेट आती है कि आयोग की बेसिक शिक्षा अफसरों को हटाए सरकार, 75 केंद्रों पर होगी PCSE की परीक्षा। CGL में इस साल घट गए 10 लाख आवेदक। CHSL 1600 पदों पर आवेदन शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी जो भी अपडेट आ रही है सारी एक अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहते हैं, कोई भी जानकारी आपको छूटनी नहीं चाहिए। काफी बच्चों ने आप में से ठीक है PCSE के लिए आवेदन किया होगा, देख सकते हैं। CCTV कैमरे की निगरानी में होगी PCSE की परीक्षा। 75 परीक्षा केंद्र जिले में बनाए गए हैं, 34,000 अभ्यर्थियों की, 4 जोनल व 25 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, इजराइल के विदेश मंत्री कोहेन ने पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और जयशंकर से मुलाकात की है। 42,000 भारतीयों को मिलेगा रोजगार। ठीक है, एक अच्छी खबर यहाँ से दोस्तों हमें देखने को मिल रही है। फिर अगली अपडेट आती है, 1600 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। UPTET की ऑफिशियल वेबसाइट 10 मई दिन बुधवार की, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों CTET की जो ऑनलाइन करेक्शन या अपडेशन की डिटेल्स है, ठीक है, ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों ये CBSE की तरफ से। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग का करेक्शन होगा, काफी चीजें हमें मौका मिलेगी। फॉर्म भरते समय गलती हो गई कोई बात नहीं। ठीक है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स में बच्चों ने यहाँ पर हो सकता है टोटल नंबर में गलती करती हो, ऑप्टेन मार्क्स में गलती हो सकती है, इंस्टीट्यूट का पिन कोड गलत डाल दिया या बोरिया यूनिवर्सिटी का नाम नहीं डाल पाए, कुछ भी हो सकता है, इसको आप लोग सुधार पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को परेशान नहीं होना है। बाकी कुछ और अपडेट आएगी तो अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि आप लोग के जिले में कितनी सीटें खाली हैं। तो दोस्तों कुछ बच्चों के मन में सवाल रहता है कि जो हमारा CTET की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको कैसे लॉगिन करना है, कैसे फॉर्म को सुधारना है या कैसे सीट पता करना है। तो देखिए क्या करना होता है आपको, सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर गूगल ओपन करिए और सर्च क्या करना है, DELETRESULT.com। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये वेबसाइट आपको दिखेगी DELETRESULT 2023। आपको इसको सिंपल सा ओपन करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीटेट जुलाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023, इसको हमें ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया लिखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका विज्ञापन है, 27 अप्रैल से लेकर 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लिंक दिखेगी, आप लोग को अपना फॉर्म कैसे फिलअप करना है यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आवेदन क्या करना है यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप लोग की जो फोटो या सिग्नेचर में कोई दिक्कत है, रिसाइज करना हो तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ऑनलाइन करेक्शन करना तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और सीटेट मैथ की कम्प्लीट वीडियो देखनी है यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से सीखना है कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल दोस्तों आप सीटेट के लिए अगर ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, नहीं किया, कुछ भी लॉग इन करना हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023 इस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग का एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के, ये दोस्तों नीचे जो हमारा ये लिखा है ना, ठीक है, सिक्योरिटी 0303G4, यहाँ पर हमें साइन इन पर क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों देखिए हमारा फॉर्म ओपन हो गया, यहाँ पर हम एप्लीकेशन फॉर्म में आएंगे। सभी बच्चों से हमने एक बात बता दी कि सभी बच्चे अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर तक फॉर्म कम्प्लीट करिए। अगर आपके जिले में सीटें बढ़ती हैं तो एग्जामिनेशन सिटी में हम लोग क्लिक करके सीधे पहले अपना राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है, या किसी भी स्टेट से आप हों, राज्य से हों, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लो, तुरंत अपनी सिटी डाल दी। यहाँ पर दोस्तों ये जो हमें सीट दिख जरूर रही है लेकिन ये सिर्फ पेपर टू की है। देखिए यहाँ पर हमने अप्लाई फॉर पर क्लिक किया, तो यहाँ पर हमने सिर्फ पेपर टू सिलेक्ट किया तो हमें सीटें दिख रही हैं। अगर हम बहुत पेपर करते हैं, पेपर वन एंड टू, लैंग्वेज वन में हिंदी, लैंग्वेज टू में संस्कृत या इंग्लिश, आप जो भी मन करे ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों
ये शो करना पड़ता है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों पेपर टू में कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, डीएलएड के तो डिप्लोमा इन एजुकेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डालिए 9 6 5, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन का आता है। यहाँ पर आपने पहले पहले फिल कर रखा, उसको नहीं करना है, फिर सीधे एग्जामिनेशन की डिटेल में आएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों फिर से हम लोग अगर उत्तर प्रदेश को ही सिलेक्ट करते हैं और एग्जामिनेशन सिटी को फिर से वाराणसी डालें तो यहाँ पर वैकेंसी 0 आ रही है। अब देखिए दोस्तों धीरे धीरे लास्ट डेट की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 26 मई अंतिम दिन होगा आवेदन करने का, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अब सभी बच्चों के मन में डर भी आ गया कि क्या सीटें बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि लास्ट डेट निकल जाएगी। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में देखिए गाजियाबाद में जो सीटें खाली थी यहाँ पर तेजी से बढ़ रही है, अब मात्र 4,300 सीटें बची हैं, ठीक है। तो या तो आप गाजियाबाद सेलेक्ट कर लीजिए या तो मेरठ, एक और विकल्प हमारे पास बच रहा है, नहीं तो दोस्तों उसके बाद आपको जाना पड़ेगा दिल्ली, राज्य अपना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब दिल्ली में सीटें यहाँ तो भैया भरमार हैं, यहाँ पर तो कोई कमी नहीं है। देखिए आपके घर से कौन सा सेंटर कितनी दूरी पर है ना, ये सब भी ध्यान दिया करिए। दिल्ली में ये फायदा होता है जाने का कि वहाँ पर ट्रेन बस ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है दिल्ली में, ठीक है, ये फायदा आपको होता है। लेकिन सेंटर दिल्ली में हमारा कहाँ रहेगा, न्यू दिल्ली। जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश में सिलेक्ट करते हैं ना तो वहाँ पर भी अलग अलग जगह का नाम, जैसे हम यूपी में आगरा होता है, इलाहाबाद होता है, प्रयागराज, देखिए यहाँ पर हम प्रयागराज में देखें तो यहाँ पर भी सीटें नहीं दिखती, हमारी राजधानी क्या है, यहाँ पर सीटें कितनी है, 96,000 से ज़्यादा सीटें थी, लेकिन आज की डेट में एक भी सीट वैकेंट नहीं खाली है। तो ये सब है। अब देखिए दोस्तों फॉर्म में आप करेक्शन कैसे कर सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पर अप्लाई फॉर्म भी किया, जैसे दोस्तों ये चेंज करने का पूरा मौका मिल रहा है ना, जब करेक्शन आएगा तो उस समय भी अगर आज आपने सिर्फ पेपर वन, देखिए फीस पेमेंट वाले में दिक्कत आ जाती है, होता क्या है ना कि अगर आपने दोनों पेपर सेलेक्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आपको लैंग्वेज चेंज करना है, आप हिंदी की जगह उर्दू रखना है, ठीक है, या कुछ भी रखना है, तो ये आप सब लैंग्वेज दो में जैसे मान लेते हैं आपका मन होता है कि आप उर्दू लें, ठीक है, इंग्लिश लें, क्या हो सकता है कि भाई ज़्यादा मन होगा आपका संस्कृत ले लेगा, संस्कृत लेंगे, तो ये सब यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 जो है उसको भी चेंज करने का मौका मिलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल, जैसे बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं आपको बता दें कि जैसे हमने बोला कि आप अपीयरिंग छात्र या बात है, यहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट का पिन कोड बच्चे गलत डाल देते हैं, बोर्ड या यूनिवर्सिटी नाम जैसे कुछ अदर से डाला, जैसे यूपी से आप लोग हैं आपका नाम यही आएगा, ठीक है, जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, अब डीएलएड का नाम यहाँ तो शो नहीं होता हमारी यूनिवर्सिटी का नाम, एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जाएगा। अब हो सकता है कि आप कहीं और से ही डीएलएड कर रहे हो तो वहाँ पर आपको कुछ और डालना पड़ेगा, तो हर जगह अलग अलग करना है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया यही होता है कि आपका भैया यहाँ पर नाम शो हो जाए, देखिए यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर नाम शो होगा ना तो ये वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब भी दोस्तों बातें होती है। चलिए अब मिलते हैं एक और वीडियो में, कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि वहाँ से आप लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं सोशल मीडिया की तमाम अफॉर्म बच गए। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी नाम डाल दिया तो ये वाला जो हमने नाम डाला था वो हट गया। अगर हम यहाँ पर फिर से अदर्स में क्लिक करेंगे तो फिर से हमें खुद से मैनुअली लिखने का मौका दे दिया जाता है, ठीक है, थोड़े टाइम में ये साइट अपडेट होगी फिर हमें मौका मिलेगा। तो ये सब बातें होती है दोस्तों, सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बच के रहिए। पेपर हमारा ऑनलाइन मोड में होगा, थोड़ा सा देखिए कंप्यूटर लैपटॉप चलाना सीख लीजिए, पूरा खेल माउस का होता है, ये माउस का होता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे कहते हैं कीबोर्ड का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, फिर माउस से सारा काम होगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको देना है। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि अभी दोस्तों पेपर हमारा जुलाई और अगस्त तक है, 2 महीने लगभग पेपर होगा, 25 सितंबर का पेपर पेपर हो जाएगा, ठीक है। पेपर किसी का आसान आएगा किसी का कठिन आएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सबका पेपर इक्वल बने। 25 दिन हो सकता है, अगर आप 2500 पेपर को देखेंगे तो उसमें से कुछ पेपर आपको आसान कुछ पेपर कठिन। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस।